दोस्तों जय हिंद, स्वागत है आप सभी का सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश भर्ती सत्याग्रह के अंतर्गत इंदौर से भोपाल तक जो पैदल मार्च भर्ती सत्याग्रह चलाया जा रहा था, उसका कल 9 अक्टूबर को अंतिम दिन है। और दोस्तों 9 अक्टूबर को एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है भोपाल में। और भोपाल में आप सभी को जो अभी तक घरों में बैठे थे, जो अभी तक आंदोलन में जिन्होंने अपना हिस्सा नहीं लिया है और जिन्होंने हिस्सा लिया भी है, उनके लिए भी यहाँ पर कल 9 अक्टूबर को भोपाल पहुँचना है और इस आंदोलन में हिस्सा लेना है। यही दोस्तों 9 अक्टूबर का जो आंदोलन है, यही आंदोलन तय करेगा आपकी वर्ग 3 में पद वृद्धि को। 51,000 पदों की जो मांग की जा रही है, यही आंदोलन तय करेगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पहुँचते हैं, उतना ही अच्छे से प्रभाव सरकार के ऊपर यहाँ पर पड़ेगा। तो 9 अक्टूबर को भोपाल में सभी को एक बार फिर से एकत्रित होना है और इस भर्ती सत्याग्रह में एक बार फिर से आपको भाग लेना है और आंदोलन को सफल बनाना है। तो 9 अक्टूबर ध्यान रखना है दोस्तों। अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट घरों में बैठे थे और केवल ये क्या करना चाहते हैं, केवल मलाई मलाई खाना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग घरों में बैठकर केवल मलाई खाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को भी आंदोलन में हिस्सा लेना है। और अभी तक जो उम्मीद की जा रही थी इस सत्याग्रह से, जो पैदल मार्च निकाला जा रहा था इंदौर से लेकर भोपाल तक, तो यहाँ पर अभी तक उतना अच्छा रिस्पॉन्स बेरोजगारों का नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। देखा रैली में कितनी कम संख्या में लोग थे। हालांकि जो भी रैली में थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और NEYU नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन का बहुत अच्छा सहयोग रहा है इस आंदोलन को सफल बनाने में। और हो सकता है कि ये सहयोग दोबारा ना मिले यदि ये सत्याग्रह सफल नहीं हो पाता है आप लोगों की वजह से। तो दोस्तों 9 अक्टूबर को भोपाल सभी को चलना है और यहाँ पर सत्याग्रह को सफल बनाना है, आंदोलन को सफल बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपनी बातों को, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना है, ताकि सोई हुई सरकार है जो मध्य प्रदेश की, सोया हुआ जो प्रदेश है और इस यहाँ की सोई हुई जो सरकार है मध्य प्रदेश, वो एक बार जागे और एक बार बेरोजगारों की तरफ, जो झुंझुना पकड़ाया जा रहा है आपको, कभी 1200 भर्तियों का, कभी 73 भर्तियों का, ये सिर्फ एक झुंझुना लॉलीपॉप है। और इन पर यदि आप भरोसा करके घरों में बैठे रहेंगे तो आपको कभी भी ना तो वर्ग 3 में 51,000 पद मिलेंगे और ना ही कभी आपको 1,00,000 भर्तियाँ, जो जिनका वादा किया गया है, ना ही 1,00,000 भर्तियाँ मिलने वाली हैं। क्योंकि आपने देखा व्यापम से भी किस प्रकार से कैलेंडर को हटा लिया गया है, जो कैलेंडर था, ठीक है, और अभी कोई भी एग्ज़ाम आगे टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं आत्महत्या है, ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट हताश हैं, निराश हैं और इसी निराशा को आपको 9 अक्टूबर को दिखाना है और भोपाल चलना है, पैदल मार्च का जो अंत होने वाला है भोपाल में और एक बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। तो 9 अक्टूबर सुबह 8 बजे खजूरी सड़क भैरी बाईपास भोपाल, ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस आंदोलन को सफल बनाएं, भोपाल चलो 9 अक्टूबर सुबह 8 बजे, ठीक है। तो सभी को पहुंचना है और कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिखना है और कौन कौन भोपाल जा रहा है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल बनना है तो सब्सक्राइब करना है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।